और तुम्हारी बहू की भी करता हूँ मैं। दिक्कत उनका दिमाग भरा जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं एलविस यादव और फुकरा इंसान के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। गाइस अभिषेक मलान ने अपने हेटर्स के लिए एक वीडियो शेयर किया और जिस वीडियो के कमेंट्स में अभिषेक ने अपने काफी सारे फैंस को रिप्लाई वगैरह भी किया, जिसमें एक ने कमेंट्स किया कि आप एक चुटकी बजाकर ट्विटर की सारी निगेटिविटी को साफ कर दो वगैरह वगैरह, जिसमें अभिषेक ने रिप्लाई करते हुए कहा कि पढ़े लिखे लोग निगेटिव नहीं होते मेरी जान। और एक यूजर्स ने कमेंट्स किया कि भाई फॉर्म कहाँ फिल करना है पीआर के लिए, जिसमें फुकरा इंसान ने भी फनी वे में रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ, सुना है 25 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी गाइज इस बारे में आप क्या कहोगे प्लीज कमेंट्स। गाइज ध्रुव राठी की एक न्यू वीडियो आई थी वुमेन रिजर्वेस, जिसमें ध्रुव राठी ने फिर से अगेन एक बार और एलविस यादव को पोक कर दिया कुछ क्लिप्स वगैरह यूज करके। क्वेश्चन में इक्वालिटी लिख देने से ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर इक्वालिटी नहीं आ जाती। आज 2023 में भी कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं देश में जिन्हें लगता है कि औरतों का काम सिर्फ घर पर रहना है। किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा, शिट, रोटी कौन बनाओगा? हम बनाएंगे क्या रोटी, सेठ आदमी। तो यार देखो इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स, अपने पैसे भी थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा यार। और इस बारे में अब एलविस की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है, आप खुद ही देखिए। हमारी जो बहती गंगा चल रही थी नेगेटिविटी वाली पीआर वाला सिस्टम जो चल रहा था, उसमें ना ऐड हो गया फंड फंड ऐड हो गया बाहर से, विदेश से, जर्मन ऐड हुआ, जर्मन फंड। हमारे जर्मन शेफर्ड भौंकने लग गए दोबारा, क्या कई लोग होते रिस्पेक्ट नहीं करते वुमेन की। क्लिप लगा रहे भाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता तो और तुम्हारी बहू की भी करता हूँ मैं यार। भाभी जी को नमस्ते करना, हाँ यार हम रिस्पेक्ट करते दिल से भाई, जेन्युइन भाई, जेन्युइन। मजाक सटके नहीं है, मजाक क्यों होगा, मैं तो मिल के करते हम रिस्पेक्ट भाई, हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। उस कंट्री में ग्रीन कार्ड होता है भाई, गए नाम तो हमें पता ना, जो वहाँ के सिटीजनशिप दिलवा दे अलग कंट्री को उसकी रिस्पेक्ट है मान ले तो ठीक है। तो फिर एक जर्मनी टिकट करा, ब्याह करके आते हैं। एलविस यादव को फिर से बार बार कहना है कि आप छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह यूज करके निगेटिविटी मत फैलाया करो। उनकी किस टाइप की इमेज है उस इमेज को वैसे टारगेट करा जाए, ओहो बड़ा हिंदू हिंदू करता है, चलो इसकी अब एक क्लिप उठा के छोटे छोटे कहीं कहीं से काट के इसको वो डिग्रेड करते हैं। ओ ये कैसा ये लग रहा था, हम फैल हो गए ऐसे, दारू पी के फैल हो जाए हम, इसका भी काट देना इतना सा पोर्शन। और कहना एलविस भाई ऐसा लग रहा ना कि नशा कर रहा था, बिल्कुल सही लग रहा। हाँ हाँ इसको भी काट देना थोड़ी सी और लगा देना एलिस, तो नशे करता और सीएम से मिलता अलग अलग स्टेट्स की, सीएम देखो नशे एडियो के साथ घूमता, वाह यार मजा आ जाएगा ये वाला एडिट बनाना एक बार। और गाइस फाइनली अमित बड़ाना के न्यू प्रोजेक्ट एसएससी का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 6 अक्टूबर को, क्या आप इस ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हो? तो गाइस बस इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को मोर अपडेट्स पाने के लिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।